हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इस ताकत को अगर समझना है तो पहले बाबा जी का दर्द सुनिए, इनकी आंखों से टपकते आंसू देखिए, इनकी लाचारी को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। हमारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये, हमारी पास ये दुकानदारी हुई है। और अब जरा यहाँ का बदला बदला समंजर देखिए, ये वही बाबा जी का ढाबा है जिस पर हर रोज 60 रुपए की कमाई मुश्किल हो जाया करती थी, और आज यहाँ ग्राहकों का रेला है। कोई बाबा के ढाबे के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई इनके यहाँ सेवा भाव से वेटर बनकर श्रमदान को तैयार है, कोई अपने घर से इनके लिए डस्टबिन लाया है, किसी पिकनिक सा माहौल है, मीडिया कवरेज है। और ये है बाबा का ढाबा जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी, इन्हें कोई आता नहीं था खाना खाने के लिए, लेकिन आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। तस्वीर किस तरह से बदल चुकी है, तस्वीर आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, देखिए किस तरह। कोरोना के इस काल में भी बाबा जी के लिए ये जो जमाने का हृदय परिवर्तन है, वो हमारे भीतर अपनों के लिए छिपी भावना ही है, उनके लिए छिपा प्यार ही है। मगर ये प्यार कब फूटता है? जब कोई हमें इसकी याद दिलाता है। सोशल मीडिया पर भी बाबा जी का ऐसा ही एक वीडियो बनाकर किसी ने डाल दिया, जब अपने ही देश के एक बुजुर्ग का दर्द दिखा तो लोग खुद को रोक न पाए। लोगों की इन्हीं भावनाओं की वजह से आज बाबा जी का ढाबा गुलजार है। बाबा के मटर पनीर के आगे विदेशी पिज्जा, विदेशी बर्गर, विदेशी चाउमीन, विदेशी डोनट की वॉट लग चुकी है। यही ताकत है वोकल फॉर लोकल की। अगर ऐसे ही इंपोर्ट का दिखावा छोड़कर हम अपने घर के पास के किसी काका, किसी काकी, किसी बबलू या किसी देवकी के हाथ का बना सामान खरीदने लगेंगे, अपने प्यार अपने दुलार से उसके जीवन को संवार दें, तो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र मोदी दे रहे हैं वो सार्थक हो जाए। फिर भारत को कौन रोक पाएगा? बस भावनाओं को जगाने की जरूरत है, अपनों को समझने की जरूरत है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा।